हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एडोब फोटोशॉप में आप पासपोर्ट साइज फ़ोटो कैसे बना सकते हैं। अगर आप एडोब फोटोशॉप में दोस्तों पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी फोटो का बैकग्राउंड आप कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो फोटो था दोस्तों कुछ इस प्रकार से था। सबसे पहले दोस्तों मैंने फोटो को क्रॉप किया, उसके बाद दोस्तों मैंने फोटो का बैकग्राउंड चेंज किया, उसके बाद दोस्तों आप देख रहे हैं कि मैंने एक पेज पर फोटो को यहाँ पर एडजस्ट किया है। अगर आप ये सभी काम को सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है। चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। एडोब फोटोशॉप को ओपन करने के बाद दोस्तों उसके बाद आप अपने कंप्यूटर में ये जो लेयर पैनल आपको दिख रहा है इधर, इसको दोस्तों आप ओपन कर लीजिए। इसको ओपन करने के लिए सिंपल सा आपको यहाँ पर विंडो पर क्लिक करना है। इसमें दोस्तों आपको लेयर वाले ऑप्शन को टिक कर देना है तो आपका लेयर पैनल यहाँ पर ऑन हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आप अपना इमेज को ओपन कर लीजिए। इमेज को ओपन करने के लिए आप यहाँ पर फाइल पर क्लिक कीजिए। फाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ओपन पर क्लिक करना है, या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ओ बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए मैं ओपन पर क्लिक करता हूँ। ओपन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर लोकेशन ओपन हो जाता है। जहाँ भी आपका फोटो सेव होगा उस फोटो को आप सिलेक्ट कीजिए और इसमें दोस्तों ओपन कर दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर मेरा फोटो ओपन हो चुका है, तो आपका भी फोटो कुछ इसी टाइप से ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको इस फोटो को सबसे पहले हमें क्रॉप कर लेना है। तो क्रॉप करने के लिए दोस्तों आपको टूल बार में आना, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ जूम कर। देखिएगा यहाँ पर आपको क्रॉप टूल का एक आइकन मिलेगा, इस टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों जब ऊपर आएगा तो देखिएगा आपको यहाँ पर विड्थ में 1.2 इंच लिखना है, हाइट में आपको 1.5 इंच लिखना है और रेजोल्यूशन में आपको 300 लिखना है। यंग दोस्तों क्रॉप टूल को सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों आपको विड्थ और हाइट में जो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम इसी प्रकार से आपको भी लिख देना है। उसके बाद दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, अपने फोटो को क्रॉप करूँगा। तो क्रॉप करने के लिए आप अपने फोटो पर आइए। उसके बाद दोस्तों आपको प्रेस करना है अपने माउस से, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सिलेक्शन बनता है। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको यहाँ पर फोटो को क्रॉप करना होता है। उसके बाद दोस्तों कुछ इस टाइप से देखिएगा क्रॉप जब हो जाएगा तो इसको दोस्तों आप अपने हिसाब से यहाँ पर अच्छे प्रकार से यहाँ पर एडजस्ट कीजिए। यानी कि कुछ इस टाइप से दोस्तों आपका जो दोनों कंधा होना चाहिए यहाँ पर बराबर आप रखिए, और कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको जितना बेहतर लगे उस हिसाब से आप यहाँ पर काम कीजिए। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको यहाँ पर काम करना है, यानी कि क्रॉप टूल को दोस्तों अपने फोटो में कुछ इस टाइप से यहाँ पर सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन बनाना, ताकि दोस्तों यहाँ पर फिट हो जाए अच्छी प्रकार से आपका फोटो। उसके बाद दोस्तों जब आपको लगे कि यहाँ पर मेरा क्रॉप टूल अच्छी प्रकार से मेरा फोटो को कैप्चर कर लिया, तो उसके बाद ऊपर में जो यहाँ पर टिक करने का ऑप्शन मिलता है, या फिर अपने कीबोर्ड से इंटर बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए यहाँ से मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद दोस्तों आप देखिएगा कि मेरा जो फोटो था पासपोर्ट साइज के रिकॉर्डिंग यहाँ पर क्रॉप हो चुका है। क्रॉप होने के बाद दोस्तों अब हम क्या करेंगे, अपने फोटो में बैकग्राउंड को मैं चेंज करूँगा। तो बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए दोस्तों देखिएगा आपको टूल बार में यहाँ पर देखिए कुछ इस टाइप से जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर ऊपर वाले बॉक्स पर, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप उस कलर को इसमें सिलेक्ट कर लीजिए जिस कलर का आप बैकग्राउंड रखना चाहते हैं। चलिए यहाँ से मैं ब्लू कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आप यहाँ से जो यहाँ देखिएगा आपको ब्रश टूल का निशान मिल गया, इस टूल को ब्रश टूल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों कुछ तो देखिएगा यहाँ पर आपको ब्रश का साइज यहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है, तो इसमें दोस्तों आप कोई भी ब्रश का साइज सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर 13 नंबर वाला ब्रश का साइज मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों एक बार आपको बाहर क्लिक कर देना है। बाहर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पर मोड में नॉर्मल रहना चाहिए, ओपेसिटी में 100 और फ्लो में भी 100 रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप देखिए आपको फोटो में कलर कैसे फिल करना है, यानी कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आप कंट्रोल प्लस कर अपने फोटो को जूम कर लीजिए। कुछ इस टाइप से आप फोटो को जूम कर लीजिए। जूम करने के बाद दोस्तों अब देखिए जो आपने यहाँ पर ब्रश टूल को सिलेक्ट किया, उस ब्रश टूल को दोस्तों सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर चलाना है। जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर करना होगा। तो चलिए यहाँ से मैं सेम इसी प्रकार जिस प्रकार से मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, सेम इसी प्रकार से दोस्तों आपका फोटो का सिलेक्शन यहाँ पर बनाना होगा। तो कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पर करना होगा काम, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। तो जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ दोस्तों, सेम इसी प्रकार से आप भी कीजिएगा तो आपका काम भी परफेक्ट होगा। तो कुछ इस टाइप से दोस्तों आपको फोटो को इस प्रकार से अपने पूरे बॉडी का जो फोटो सिलेक्शन बनना है, सेम इसी प्रकार से आपको यहाँ पर सिलेक्शन बनाते हुए चलना है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट जल्दी जल्दी करता हूँ, उसी प्रकार से दोस्तों आपको भी काम कर लेना है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने फोटो के चारों तरफ किनारा में यहाँ पर मैंने इस प्रकार से यहाँ पर कलर को फिल कर लिया। तो इसी प्रकार से दोस्तों आपको सावधानी से बिल्कुल अच्छी प्रकार से यहाँ पर कर लेना है।
उसके बाद दोस्तों आप कंट्रोल माइनस से फोटो को जूम आउट कर दीजिए। जूम आउट करने के बाद दोस्तों आप राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ से ब्रश का साइज आप कुछ इस प्रकार से बढ़ा लीजिए। उसके बाद दोस्तों कुछ स्टेप से यहाँ पर आपको फिल कर देना है, यानी कि कुछ स्टेप से दोस्तों यहाँ पर करना होगा ताकि दोस्तों ये जो पीछे का जो भी पूरा बैकग्राउंड है यहाँ पर मिक्स हो जाए। तो जिस प्रकार से मैं आपको कर दिखा रहा हूँ सेम इस प्रकार से आपको कर देना है, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। तो दोस्तों जब इस प्रकार से जब आप काम कीजिएगा तो आप देखिएगा कि जो भी आपका पीछे का जो बैकग्राउंड था बिल्कुल अच्छे प्रकार से यहाँ पर रिमूव हो जाएगा। तो दोस्तों आपने सीखा कि ब्रश टूल की मदद से हम कोई भी कलर यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और दोस्तों कुछ इस प्रकार से आप बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। तो कुछ इस टाइप से आपको सिंपल सा ब्रश को चला देना है और आपका पीछे का जो भी बैकग्राउंड रहेगा देखिएगा यहाँ पर मेरा रिमूव हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा कि मैंने अपना जो भी पीछे का बैकग्राउंड था इमेज का उसको मैंने रिमूव कर आपको दिखा दिया। तो सेम इसी प्रकार से आपको अपने हिसाब से जो कलर आपको पसंद आता है उस कलर का यूज़ कर आप पीछे का जो भी बैकग्राउंड रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जब आपका इतना काम हो जाएगा तो आपको दोस्तों अपने फोटो में थोड़ा सा लाइट बढ़ा लेना है। लाइट बढ़ाने के लिए दोस्तों आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एल बटन को प्रेस कीजिए। चलिए अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एल बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर लेवल का ऑप्शन आता है। लेवल का ऑप्शन आता है दोस्तों, इसमें आपको 1, 2, 3 रेंज दिखाई दे रहा है, जिसमें दोस्तों आपको यहाँ इस वाले रेंज पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा इस लेवल को बढ़ाना है, अपने फोटो का रिकॉर्डिंग आप बढ़ाइएगा, जितना भी आपके फोटो पर शूट आता है लेवल उस हिसाब से इसमें थोड़ा सा लाइट बढ़ाइएगा। लाइट बढ़ाने के बाद दोस्तों आपको सिंपल से यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद दोस्तों आपका इसमें जो लाइट रहेगा इसमें अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, जब मेरा फोटो अच्छी प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है उसके बाद दोस्तों मैं क्या करूँगा अपने पेज पर इसको मैं एडजस्ट करूँगा, उसके बाद हम प्रिंट निकाल लेंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर पेज लेना होगा। तो पेज लेने के लिए आपको देखिए यहाँ पर फाइल पर क्लिक कीजिए। फाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर न्यू पर क्लिक कीजिए या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस एन बटन को भी प्रेस कर सकते हैं। चलिए मैं न्यू पर क्लिक करता हूँ। न्यू पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिएगा आपको यहाँ पर पेपर साइज का ऑप्शन मिलता है, इस पर दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद दोस्तों इसमें आपको बहुत प्रकार का साइज मिलेगा, जो भी आप साइज में प्रिंट निकालना चाहते हो उस साइज को आपको सिलेक्ट कर लेना है। चलिए यहाँ पर मैं 4x6 वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों आप देखिएगा कि आपके एडोब फोटोशॉप में यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। इसी पेज पर दोस्तों आपको फोटो को एडजस्ट करना है। तो फोटो को एडजस्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप फोटो पर क्लिक कीजिए। फोटो पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको देखिए यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट कर लेना, टूल बार में आकर यहाँ पर मूव टूल को सिलेक्ट कर लेना, ऊपर में आपको दिखाई देगा मूव टूल। उसके बाद दोस्तों आपको फोटो को पकड़ना है और अपने पेज पर ले जाकर इसको छोड़ देना है। तो आपका दोस्तों इमेज यहाँ से उठकर आपके पेज पर आ जाएगा, जैसा कि दोस्तों आपने देखा। अब देखिए आपको इमेज में यहाँ पर फोटो को एडजस्ट करना, तो इसको आपको कंट्रोल प्लस से जूम कर लेना ताकि दोस्तों आपको काम करने में आसानी हो। मैंने यहाँ पर जूम कर लिया है। जूम करने के बाद दोस्तों आपको पकड़ना है, इस प्रकार से यहाँ पर आपको सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आप टॉप में फोटो को ले आइए। तो कुछ इस टाइप से मैं यहाँ पर टॉप में ऊपर में ले आता हूँ दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आप देख रहे हैं। तो कुछ इसी टाइप से आपको भी काम करना होगा। उसके बाद दोस्तों अब देखिए आप यहाँ पर अच्छी एक फोटो को यहाँ पर अच्छी प्रकार से जब यहाँ पर सेट कर लीजिएगा तो उसके बाद दोस्तों आपको अपने कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट को प्रेस रखना है, यानी कि आप अपने कीबोर्ड में अल्ट बटन और शिफ्ट बटन दोनों को एक साथ प्रेस रखिए। उसके बाद दोस्तों आपका मूव टूल सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद आप जब इसको पकड़िएगा और इस प्रकार से ड्रैग कीजिएगा आगे की ओर तो आपका फोटो देखिएगा यहाँ पर डुप्लीकेट होगा। तो सेम इसी प्रकार दोस्तों आपको कुछ स्टेप से अपने फोटो को डुप्लीकेट कर देना है। डुप्लीकेट करने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि अपने कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट को प्रेस रखना है, फोटो को खींचना है तो आपका फोटो डुप्लीकेट होगा। अब देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर एक पेज एक लेयर में यहाँ पर 1, 2, 3 फोटो ऐड किया। तो आपको भी कुछ स्टेप से ऐड करना होगा, जो भी आप पेज सेलेक्ट किए होंगे उसमें दोस्तों फोटो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिएगा आपको लेयर पैनल में जब आइएगा तो देखिएगा आपको यहाँ पर जो आपका पेज का बैकग्राउंड रहेगा वो दोस्तों आपको शो करेगा और जो आपने फोटो को डुप्लीकेट किया होगा वो फोटो यहाँ पर शो करेगा। तो मैंने यहाँ पर 1, 2, 3 फोटो को डुप्लीकेट किया था। तो देखिएगा आपको 1, 2, 3 यानी कि तीनों फोटो पर दोस्तों आपको टिक कर देना है अपने माउस से। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ई करना है। तो ये तीनों फोटो क्या हुआ कि ये ग्रुप में सेट हो जाएगा, जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं। अब जब भी आप इधर उधर माउस से इसको कीजिएगा तो ये तीनों फोटो एक साथ जाएगा। तो सेम इसी प्रकार दोस्तों आपको इसको ग्रुप कर लेना। ग्रुप करने के बाद अब देखिए दोबारा से आपको अपने कीबोर्ड में अल्ट और शिफ्ट को प्रेस रखना है। मूव टूल आपका सिलेक्ट रहना चाहिए, उसको दोस्तों एक ड्रैग कीजिए तो तीन कॉपी यहाँ पर यानी कि तीन फोटो मेरा और बना है। उसके बाद दोस्तों एक बार और मैं इसको करता हूँ तो देखिए यहाँ पर मेरा एक पेज में यहाँ पर मैंने 3 ऊपर 1, 2, 3 यानी कि 9 फोटो मैंने ऐड किया। तो कुछ इसी टाइप से दोस्तों आप एडोब फोटोशॉप के अंदर पासपोर्ट साइज फोटो क्रिएट कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों आपका यहाँ पर जब क्रिएट हो जाएगा तो इसको आप प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो प्रिंट निकालने के लिए आपको देखिए यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है। फाइल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए आपको यहाँ पर प्रिंट सेटअप का ऑप्शन मिलता है। तो डायरेक्ट आप प्रिंट सेटअप पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप देखिए यहाँ पर आपको जो भी पेज का साइज रहेगा उस साइज को आप सिलेक्ट कीजिए। जो भी आप प्रोटेड लैंडस्केप में निकालना चाहते हो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पर अपना सेटिंग करना होगा। उसके बाद आपको ओके कर दीजिएगा तो आपका प्रिंट यहाँ पर फोटो निकल जाएगा। या फिर दोस्तों आप चाहें तो इसको PDF फॉर्मेट के अंदर सेव भी कर सकते हैं। सेव करने के लिए आपको यहाँ पर फाइल पर क्लिक करना है, सेव पर क्लिक करना है और उसके बाद दोस्तों आपको फॉर्मेट में यहाँ पर क्लिक करना है। इसमें दोस्तों आपको
पीडीएफ का ऑप्शन मिलता है, तो चलिए इसको मैं पीडीएफ या फिर जेपीजी, तो जेपीजी जिस भी प्रकार में आप सेव करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर आपको जेपीजी का भी ऑप्शन मिलता है, यानी कि इमेज में भी इसे आप सेव कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर सेव कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप सेव करना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर लीजिए, कोई एक फाइल नेम दे दीजिए जो भी आपको पसंद आता है, जो भी आप देना चाहते हैं। देने के बाद दोस्तों आपके यहाँ पर सेव कर देना। सेव करने के बाद दोस्तों ये क्या होगा कि आपके कंप्यूटर में यह सेव हो जाएगा। आप चाहें दोस्तों तो इसको अपने व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हैं या फिर दोस्तों कहीं भी सेंड भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपने देखा कि आप एडोब फोटोशॉप के अंदर कुछ स्टेप से किसी भी फोटो का पासपोर्ट साइज फोटो बना सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगर जो ये वीडियो आपको ठीक लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हम कंप्यूटर से रिलेटेड इस प्रकार से वीडियो बनाते रहते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।